जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, ECHS बेनिफिशरीज के लिए देर आए दुरुस्त आए एक राहत भरी खबर आई है, जो ये है कि ECHS में नॉन अवेलेबल यानी NA मेडिसिन की NAC मिलने के बाद अब मार्केट से आप नॉर्मल मेडिसिन 25,000 रुपये पर महीने की, स्पेशल मेडिसिन 75,000 पर महीने की, और यदि कोई कैंसर का पेशेंट है तो वो हर महीने 5,00,000 रुपए की मेडिसिन लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं, उसका उनको रिफंड हो जाएगा। अब मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देता हूं, आइए। साथियों, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये 25 मार्च 2022 को जारी किया गया लेटर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा तीनों सेनाओं के चीफ्स को लेटर भेज दिया गया है, जिसका सब्जेक्ट है रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ NA मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल अंडर ECHS। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि इन्होंने 2019 को एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें इसी प्रकार की लिमिट इन्होंने जारी की गई थी कि जो मेडिसिन ECHS में अवेलेबल नहीं है वो बाहर लोकल मार्केट से खरीद सकते हो, उसकी लिमिट बहुत ही कम थी। अब इन्होंने इस लिमिट को बढ़ा के और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सैंक्शन को जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी मेडिसिन जो ECHS में NA है यानी नॉट अवेलेबल है, तो ECHS आपको NAC यानी नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ मेडिसिन देगा, जिससे आप लोकल मार्केट से मेडिसिन और कंज्यूमेबल खरीद सकते हो। इसमें साथियों ये कंडीशन ये बताया है कि जो केमिस्ट है यानी मेडिकल स्टोर है जिससे आप मेडिसिन खरीदोगे, वो एक ऑथराइज केमिस्ट होना चाहिए, और जो मेडिसिन आप खरीदोगे वो मैक्सिमम 30 डेज यानी एक महीने के लिए खरीद सकते हो, और जो वैल्यू रहेगी यानी जो कंज्यूमेबल रहेगा वो रहेगा नॉर्मल मेडिसिन आपकी 25,000 रुपये पर मंथ की, यानी 25,000 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते ईच टाइम। यदि दोबारा दूसरे महीने की फिर खरीदनी है तो फिर आपने NAC लानी है और आप फिर 25,000 रुपये खरीद सकते हो, और इसी के साथ में 75,000 ईच टाइम अंडर द स्पेशल कंडीशंस है, यानी जो नॉर्मल मेडिसिन के अलावा कुछ स्पेशल डिजीज हो जिसमें आप 75,000 रुपये की एक महीने की खरीद पाएंगे, और यदि कोई कैंसर का पेशेंट है तो वो मेडिसिन है जो मैक्सिमम 5,00,000 रुपए की एक महीने में खरीद सकता है। और इसी के साथ दिस वुड बी फर्दर सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग NAC फ्रॉम OIC ECHS, यानी ये तीनों कंडीशन में यानी 25,000, 75,000 और 5,00,000 की जो मेडिसिन खरीदेंगे ECHS बेनिफिशरी, तो सबसे पहले उनको OIC ECHS से नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ जो दूसरी कंडीशन है, इन्होंने बताया कि 2003 का एक लेटर है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो साथियों एक बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि ECHS में नो मेडिसिन, नो ट्रीटमेंट एंड नो रिम्बर्समेंट का फॉर्मूला रहता है। तो अब आप खरीद तो लेंगे साथियों, आप अपने जेब से 25,000, 75,000 या 5,00,000 रुपए एक महीने के खर्च तो कर देंगे, लेकिन क्या आपको श्योरिटी है या क्या ECHS श्योरिटी देता है कि आपका विद इन 2 to 3 मंथ के अंदर आपका रिम्बर्समेंट हर बार आपके खाते में आता रहेगा? क्योंकि ECHS में आप जाओगे तो आपको मेडिसिन नहीं मिलती है, क्लेम आप करोगे तो आपको क्लेम के पैसे नहीं मिलते हैं, और इसी से साथियों यदि कोई कैंसर का पेशेंट है उसको महीने की 2 to 3 lakh रुपए की यदि मेडिसिन खरीदने की जरूरत पड़ रही है, यदि ECHS में ये मेडिसिन मिल गई फिर तो अच्छा है, और यदि आपको बाहर से खरीदने की जरूरत पड़ी तो साथियों आपके पास में जितना भी बजट है वो 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, और रीइंबर्समेंट आने में आपको 2 to 3 साल लग जाएंगे, और उसी में कई तरीके की आपको कमियां बताई जाएगी कि आपने ऑथराइज मेडिकल स्टोर से मेडिसिन नहीं खरीदी, आपने GST का बिल नहीं लगाया, इसमें ये कमी है और वो कमी है, बीमार आदमी और बीमार हो जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि ये ECHS डिपार्टमेंट अपना जो रीइंबर्समेंट का जो टाइम फ्रेम है उसको भी सुधारेगा। यदि किसी ECHS बेनिफिशरी ने अपना रीइंबर्समेंट क्लेम ECHS को सबमिट किया है तो विद इन 1 month उसका रीइंबर्समेंट हो जाना चाहिए, अदरवाइज यदि नहीं हो पाता है तो पेनल इंटरेस्ट के साथ में उसके पैसे को रिफंड किया जाना चाहिए। साथियों कुछ एक प्रोविज़न ऐसा निकालने की आवश्यकता है, और दूसरी चीज़ जो ECHS में स्टाफ है उसको भी अपना जो व्यवहार है उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। साथियों ये थी जानकारी, और जो भी जो पूर्व सैनिक है या उनके परिवार में कोई डिपेंडेंट है जो किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी से जो प्रोलॉन्ग्ड यानी लॉन्ग टर्म है जिसका ट्रीटमेंट लाइफ टाइम चलना है और हर महीने उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, तो साथियों आप सोचें समझें, ECHS से संपर्क करें, यदि दवाई मिलती है तो वहाँ से लें, अदरवाइज बाहर से खरीदने के लिए जाते हो तो आप प्रिकॉशनरी मेजर के ऊपर आप डॉक्यूमेंट सही तरीके से बनाएं ताकि आपको रीइंबर्समेंट पूरा मिल सके। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।